गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 10:10 का टाइम हो चुका है और आज है 1 अक्टूबर। हमारी जो राइड है वो आपको पता ही है, लेह लद्दाख की हमारी ये राइड है और सुबह हम तैयार हो चुके हैं, सब रेडी है, लेकिन रास्ता आगे बंद है अभी भी। और देखते हैं कितने बजे तक रास्ता खोलते हैं। सुना है कि 11 बजे तक खोल देंगे और उसके बाद हम सब यहाँ से निकल जाएंगे। निकलेंगे तो हम कोशिश करेंगे जल्दी निकलने की, वहाँ वेट करेंगे थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद अगर रास्ता नहीं खोलते हैं तो दूसरे रास्ते से हम कोशिश करेंगे जाने के लिए, कारगिल के रास्ते से। और लंबा रास्ता पड़ेगा, लगभग 600 किलोमीटर का वो राइड होगा हमारा लद्दाख लेह तक की। तो देख कोशिश करेंगे उधर से निकलने की, या फिर इधर से ही जाएंगे। अगर रास्ता खुल गया तो आज ही लेह पहुँचने की कोशिश करेंगे। बाहर का व्यू आपको दिखा देते हैं, यह है बाहर का व्यू। ज़बरदस्त व्यू है, बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं। और इस कॉटेज में हम रात रुके हैं। हमारे सभी राइडर तैयार हो चुके हैं, अपनी अपनी बाइक को स्टार्ट करके अपना लगेज वगैरह तैयार कर रहे हैं। और यहाँ का व्यू देखो आप, कितना ज़बरदस्त व्यू है। सभी राइडर्स की अपनी तैयारी हो चुकी है। अपने हमारे अनुज भाई भाई साहब, और काफ़ी टाइम से हमारी राइड की बात चल रही थी कि हम इकट्ठे राइड करेंगे, और हमें अब कल परसों के राइड में मौका मिला साथ में चलने का। और मिलते हैं आपसे, बात कराते हैं अनुज भाई साहब से। और हेलो हेलो गाइस, सबको नमस्ते मेरी तरफ से। और कैसे हो आप लोग? हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इकट्ठी राइड करने की, और अब हमने ये राइड स्टार्ट तो की है। देखते हैं आगे का क्या प्लान रहेगा। अगर हम लद्दाख की तरफ लेह की तरफ जाएंगे तो इनसे अलग होना पड़ेगा हमें, क्योंकि इनका प्लान कोई रूट जो है वो दूसरा होगा। अभी सभी तैयार हैं, देखते हैं रास्ता खुलता है तो फिर निकलते हैं आगे। ये कॉटेज थी हमारी जिसमें हम रात रुके हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं थोड़ा चल के आगे। खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और आप देख सकते हैं आगे पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। देखो कैसे चांदी की तरह चमक रहे हैं पहाड़। स्नोफॉल कल भी हुई है, परसों भी हुई है, और इसी वजह से रास्ता आगे बंद है। आज शायद खोल दें, 11:30-11 बजे के आसपास रास्ता खुल सकता है। इस टाइम में हम हैं जिस्पा में, जिस्पा से हम चलेंगे जैसे ही रास्ता खुलता है, और फिर आगे की प्लान जो होगा वो आपको सबको बताएंगे। बहुत बहुत एक्साइटमेंट है दोस्तों आज भी, क्योंकि आगे का जो व्यू है बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको भी दिखाएंगे आगे के व्यू। दोस्तों बाइक हमने रेडी कर ली है, लगेज वगैरह सबके पैक हो चुके हैं, और अब बिल्कुल रेडी हैं सभी चलने के लिए। आगे रास्ता खुल गया तो निकलते हैं अभी यहाँ से। जय माता दी। दोस्तों राइड को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, अभी रूम से निकल चुके हैं। जहाँ तक रास्ता बंद था वहाँ अब शायद खोल दिया है, तो पहुँचते हैं वहाँ पे और निकलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। देखते हैं आगे का कैसा माहौल है। अच्छा एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, हमारी तरफ धान की फसल लगी हुई है और यहाँ पे गेहूँ लगी हुई है। ये देखो यहाँ पे जो फसल है वो गेहूँ की फसल इस टाइम हो रही है, देख पक चुकी है और थोड़े दिनों में काटने लायक हो जाएगी। ये देख रहे हो गेहूं है, बहुत बढ़िया हो रही है वैसे भी। आगे भी है, कमाल का सिस्टम बना है ना अपने ही देश में। एक जगह पे गेहूं है, दूसरी जगह पे धान है। सामने का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत है भाई। ये इधर का एरिया, गाड़ियाँ अभी भी खड़ी हुई हैं, बड़े ट्रकों को अभी जाने नहीं दे रहे शायद, लेकिन छोटे वाहन शायद निकल रहे हैं। यू हैव जस्ट विजिट धारचूला ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या चीज़ है ये? धारचा है, धारचा तो। अच्छा ये हम पहुंचे हैं धारचा। ये वाला क्या? ये कुछ चाय पानी यहाँ पी लेते हैं,
अनुज भाई ने अभी नाश्ता नहीं किया तो ये यहाँ पे नाश्ता करेंगे। चौकड़ी मार के दोस्तों थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके थे, चाय पी हमने यहाँ पे, और चाय पी के अब निकलते हैं यहाँ से। काफी टाइम हो चुका है और जाना बहुत दूर, अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है दोस्तों, रास्ते में रोका हुआ है इनको, शायद बाइक्स जा सकती हैं। शायद फिर से रोक दिया है रास्ता। ये फ्रेंड हमें कल भी मिले थे, और कैसे हैं? बढ़िया। हाँ 10 मिनट में छोड़ने का बोल रहे हैं। अच्छा, बाइक का मुश्किल है ऐसा बोल रहे हैं। बाइक का मुश्किल है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार। दोस्तों कुछ आगे बढ़े तो मैं देखते हैं आगे कहाँ तक बढ़ते हैं। भाई साहब हम सोच रहे थे रास्ता खुल चुका है, लेकिन मुश्किल है भाई, रास्ता नहीं खुला है। शायद कोई बोल रहा है कि बाइक्स नहीं जा सकती, तो अगर नहीं जा सकती तो फिर दूसरा कोई प्लान बनाना पड़ेगा किसी दूसरी साइड से, साइड में लगानी पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों रास्ता भी नहीं खुला है तो प्लान चेंज कर रहे हैं अभी, सरचू की तरफ से अब हम नहीं जाएंगे, अब हमारा जो रूट बना है वो पादुम की तरफ से होगा, कारगिल से होते हुए हम ले जाएंगे, रास्ते में कहीं रुक जाएंगे, उसके बाद कल पहुंचते हैं ले में, और जो भी आगे का प्लान होगा आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। तो दोस्तों प्लान जो अभी हमने बनाया तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग अब चलेंगे, तो अनुज भाई को अलविदा करते हैं यहीं से, और दूसरे भाई लोगों को भी अलविदा करते हैं, फिर मिलेंगे कभी दूसरी राइड पे। तो भाई लोग देखो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं, मतलब डांटा से जो दो रास्ता जाता है, एक इधर जलसार की तरफ सिंगुला पास पादुम की तरफ, ये इधर सीधे चल जाएगा और एक इधर चल जाएगा सरसों की तरफ, तो हम लोग जो अभी रास्ता खुला नहीं है, लेकिन भैया लोग का पास छुट्टी कम है, ये लोग हरियाणा से जुड़े थे, भैया का नाम करण भैया। हेलो गाइस, जंस्कार वाला रोड तो काफी वही है ना, एडवेंचर वाला। हाँ चलो तो बहुत मजा आएगा दोस्तों इस रोड पे, के पास सब कुछ चेक करेगा, किसके चेक नहीं करेगा, खाली एंट्री करेगा। चलो ठीक है, लोग एंट्री करते हैं कि कितना बाइक आ जा रही है। दोस्तों हमने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था आपको पहले इन भाइयों से, आज मिलते हैं आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले हम अनुज भाई से आपको मिलाते हैं, अनुज भाई आपसे पहले भी मिल चुके हैं, तो अनुज भाई थोड़ा सा जो मेरे यूट्यूबर फैमिली है उनसे मिलिए। सुबह मिले थे वैसे, वैसे मिले थे हाँ। तो यहाँ से बहुत दिनों बाद अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। होगी होगी हाँ। साल में तो एक बार मजा का नहीं है। हाँ यही रूट से जाना ही है। ठीक है, लोग ले जा रहे हैं। आपका नाम सर? जॉनसन। अनमोल रितेश। हाँ जी चिंटू। चिंटू भाई प्रिंस। तो ये छह लोग झारखंड से आए थे हमारे साथ, बीच में जुड़े थे, और अब यहाँ से इनको अलविदा करते हैं और अगली राइड में फिर मिलेंगे इनके साथ। दोस्तों ये अब हमारा रूट बनेगा, इस रूट से हम जाएंगे संकुला सिंकुलान, यहाँ से 39 है और पदुम है यहाँ से 143 सॉरी। कोशिश करेंगे आज इसको क्रॉस करने की, क्योंकि कारगिल का हमने पहुँचना है तो लद्दाख ले पहुँचना है, तो कारगिल को के नज़दीक आसपास ही हमें रुकना पड़ेगा, और अगर सोचते हैं पीछे रुकने की तो फिर कल के लिए हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा रास्ता। तो मिलते हैं आपको राइड में रास्ते में, और यहाँ की जो वादियाँ हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों रोड देखो बिल्कुल टूट चुका है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियां यहां से निकल के जा रही हैं।
ठंड है दोस्तों, इस साइड में अभी निकली हुई है, उसके बावजूद भी ठंड बहुत ज़्यादा है। रात का टेम्परेचर तो और भी डाउन हो जाएगा। चलो जैसा भी होगा देखा जाएगा। क्या व्यू है दोस्तों यहाँ का, देखो रोड कैसे घूम के जा रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ से होते हुए ऐसे इस पुल से क्रॉस करके ऊपर पर जाते हुए पहाड़ी पे जाना है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, ऊपर जैसी भी है करेंगे कवर। अब तो मन बना लिया है और आ भी गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बहुत ऊपर आ गए हैं और उस रोड से हम निकल के आए हैं, वहाँ से इधर से आते हुए थे, यहाँ से नीचे से होते हुए इधर से, अरे भाई साहब वहाँ से होते हुए यहाँ आए हैं। और अभी भी बहुत ऊपर जाना है, बहुत ऊंचे पहाड़ है अभी है, ऐसी ऐसी पहाड़ियाँ बहुत क्रॉस करनी है। बहुत ठंड है दोस्तों, ठंड बहुत है, हाथ बिल्कुल जम चुके हैं, थकावट हम सबको हो चुकी है। वो देखो पानी उसमें से रिस रहा है पहाड़ में से, और कच्चे पहाड़ पत्थर है तो पत्थर वाले पहाड़, ये टूट फूट इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे ही नीचे आते रहते हैं यहाँ से टूट के। बिल्कुल प्लेन पहाड़ है, कोई भी पेड़ पौधा इस पर नहीं है, तो ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत कमी है यहाँ पे, सांस थोड़ा सा तेज लेना पड़ रहा है। दोस्तों सिंकुला यहाँ से 11 किलोमीटर है और अभी तक यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं नेटवर्क में आने की, लेकिन नेटवर्क हमें नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल कट ऑफ है सबसे हम। दोस्तों थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल हो रही है, कुछ कुछ छोटी छोटी मामूली से जो रुएं होते हैं स्नोफॉल के, ये गिर रहे हैं देखो, वाह आगे शायद होगी स्नोफॉल। मस्त व्यू है दोस्तों, मस्त व्यू, ऑफ रोड थोड़े थोड़े बीच में आ जाते हैं। दोस्तों ये देखो यहाँ का व्यू, पूरे पहाड़ की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, सब जगह जिधर भी नजर जाएगी उधर ही आपको बर्फ आइस पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई दिखेंगी। और यहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन है, ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है, बड़ी खींच खींच के सांस को लिया जा रहा है। अभी सिंकुला पास यहाँ नज़दीकी है, 3 किलोमीटर के आसपास रह चुके हैं। वो देखो पूरी आइस है वहां पे भी, और ऊपर मिट्टी की परतें आ गई हैं, वो देखो ग्लेशियर बने हुए हैं उधर। दोस्तों आइस वहां तो है ही है, हमने देखा ही नहीं है, हमारे पास भी आइस है, ये देखो ये पड़ी हुई है नीचे, ये देखो दोस्तों, देखो आइस कैसे पड़ी हुई है, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, ये देखो पत्थर जैसे स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं कब से पड़ी हुई है। ये भी आइस है लेकिन मिट्टी मिक्स है इसमें, और बहुत ही नीचे पानी चल रहा है इसके शायद। अब हसीन वादियों में आ चुके हैं, बर्फ
पहाड़ ने सफेद चादर ओढ़ रखी है इस टाइम, जिधर भी देखो आईसीआई से, उधर भी एडवेंचर किया जा सकता है, उधर नीचे जा सकते हैं। और स्नोफॉल थोड़ी थोड़ी हो रही है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी